खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। आक्रोशित किसानों ने बेनीपट्टी उमगांव मुख्य मार्ग स्थित हुर्राही चौक पर टायर जलाकर एवं सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के बेनीपट्टी उमगांव मुख्य मार्ग स्थित हुर्राही चौक पर आक्रोशित किसानों ने टायर जलाकर एवं सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने लगाया आरोप कि पवन ट्रेंड्स के द्वारा खाद की कालाबाजारी किया जा रहा है। वहीं सही किसान को खाद्य नहीं मिलने से किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। इसी विरोध में किसानों ने मुख्य मार्ग को जाम कर आवागमन अवरुद्ध कर स्थानीय किसान सलाहकार एवं खाद दुकानदार के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं पत्रकार के द्वारा पवन ट्रेंड्स के संचालक देबू साह पूछा गया कि किसान आप पे खाद्य कालाबाजारी का आरोप लगा रहा, तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। की दिक्कत है? खाद के दिक्कत है, खाद नहीं दो रहा, नेपाल भेज रहा खाद के। मतलब कल शाम हम सुन लेंगे 5-6 आदमी के दिल्कि खाद कल के जब हम पोस्ट मशीन ने काज करिए जे कल यहाँ से सुबह में आओ यहाँ सुन के खाद सब आदमी के दो दे। सुबह से बैठल 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 कई किसान सलाहकार अभी है तो बटे छे अभी तो बटे छे जियो अलिए मतलब जियो अभी तो बटे छे मुताब के तब अखन किसान सलाहकार 1 बजे आएल तो अखन देखे स्टॉक रूम में मतलब माल नहीं रात माल मतलब भेज दिल घर या चाहे जत भेजे मतलब ट्रैक्टर वाला के माल भेज दिल। कौन किसान सलाहकार मिल का दुकानदार? कौन दुकानदार? पवन ट्रेडर्स। पवन ट्रेडर्स कतौ? अब किसान सलाहकार की कहलक? किसान सलाहकार कहे जब तो माले नहीं कल स्टॉक की करूँ हम कल 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 तो कना कहे सुबह तक कहल जब माल है माल स्टॉक रखल है अभी तो कहे चला जब माल है तो पोस्ट मशीन कहना चाहिए पोस्ट मशीन भोरे से काज कर रहा है मतलब किसान सलाहकार के काज सही सब दुकानदारी कालाबाजारी कर रहा है। की आशंका भ रहा है माल के? माल नेपाल भेज रहा है माल यानी ये दे रहा है नेपाल भेज रहा है माल। अच्छा, पदाधिकारी के सूचना दिलिए? पदाधिकारी के सूचना हमसे बराबर फोन कर दिली शक्ति मधुबनी मधुबनी जहाँ तहाँ शक्ति फोन के लिए सब कहे कि किसान सलाहकार के कहियो किसान सलाहकार को बोले किसान सलाहकार दोनों मिलकर सब अपन मीडिया पर दोनों उठा पटक सब मिलकर अपन सब अपन कालाबाजारी कर दिल। की परिचय की भला? हमर परिचय भेल मनोज यादव घर हो रहा है। आप लोग रोड जाम किए हुए हैं? हम लोग इसीलिए रोड जाम किए हैं कि खाद हम लोग का टाइम पे नहीं मिल रहा है। हाँ। इस बार पीएम ने अनाउंसमेंट में किया था कि बिहार में इस बार खाद का कमी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे किल्लत ही किल्लत है, अगले बार से भी ज्यादा किल्लत है। और रेट से खाद का रेट अभी यहाँ पे 2000 रुपये मिल रहा है जबकि सरकारी रेट 1300-1350 रुपया है, लेकिन हम लोग यहाँ 2000-2500-3000 लेके खाद दिया जाता है। यहाँ रात में बोला था कि उचित मूल्य पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आए सुबह में तो देखे कि स्टॉक में माले नहीं, जबकि रात में माल था। तार भी गए थे, रात में कहाँ गया माल? फिंगर ले लिया और सब किसान को वहाँ बैठाया हुआ है, लेकिन वो माल नहीं दे रहा है, बोला है मेरे पास माल नहीं है, उसका माल कहाँ गया? कौन सा दुकान पे आप लोग गए थे खरीदने के लिए? पवन ट्रेडर्स। पवन ट्रेडर्स के पास में गए थे उराई चौक पे, और उधर हिसार भी गए थे। हिसार में भी बोला था कि इतना रेट में नहीं, 350 रुपये से कम में उड़िया नहीं देंगे 1500 में, जबकि उड़िया का रेट 266 रुपया है, और DAP बोला कि है ये नहीं है। कृषि पदाधिकारी को आप लोग सूचना दिए हैं इस चीज़ का? कृषि पदाधिकारी को फोन भी किए थे और SDO को भी फोन किए थे, वो बोल रहा था कि दिला रहे हैं खाद, लेकिन सुबह से बैठे बैठे अब नहीं दिलाया, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आके धरना प्रदर्शित किए। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार मंडल। गौर खाद को लेकर जो है जाम किया गया है किसानों के द्वारा, और आपके दुकान का जो है नाम बताया जा रहा है कि वहाँ पे खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि शाम में जो है कल शाम में उपलब्ध था, लेकिन किसान जो है आप पे आरोप लगा रहा है कि कालाबाजारी कर रहे हैं, यहाँ पे जो है खाद रहते हुए भी नहीं दे रहे हैं, क्या करना चाहेंगे उस पर? नहीं सर, ऐसा है जो आरोप निराधार है, हमारे पास जो स्टॉक जो है ना नील हो चुका है, जो चीज़ नहीं है हम कहाँ से दें, जो चीज़ है वो दे रहे हैं, आप उसका भी फोटो ले लीजिए। यूरिया मेरे पास है, यूरिया दे रहा है, DAP नहीं है तो हम नहीं दे रहे हैं, और ज़बरदस्ती मेरे ऊपर लांछना लाद रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवनंदन सा है। दुकान का क्या नाम है? पवन टेलर।